लैम्डा मैक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी राइट। सो जैसे हमने क्या किया, कोई कंपाउंड लिया ब्यूटाडाइन, इस ब्यूटाडाइन का जब हम यूवी स्पेक्ट्रम लेते हैं, क्या करते हैं जब इसका यूवी स्पेक्ट्रम लेते हैं तो वी गेट लैम्डा मैक्स एट 217 नैनोमीटर, 217 नैनोमीटर पे आपको क्या दिखेगी है, पीक दिखेगी राइट। सिमिलरली वी हैव डिफरेंट कंपाउंड्स, अलग अलग कंपाउंड्स जो कि यूवी एब्जॉर्बिंग कंपाउंड्स है, उनका जब हम लैम्डा मैक्स लेते हैं वन थ्रू एक्सपेरिमेंट, ये क्या है इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है राइट। When lambda max of butadiene is determined, it is found to be 217 nanometer. ये है experimental value. Woodward and Fisher have devised some hypothetical rules, some empirical rules for calculation of lambda max. यानी lambda max की theoretical calculation करने के लिए Woodward और Fisher ने क्या किया, कुछ empirical rules suggest किए. And it was found कि जो हमने वुडवर्ड फिशर रूल से लैम्डा मैक्स कैलकुलेट की और जो एक्सपेरिमेंटल लैम्डा मैक्स है, देयर इज अ गुड एग्रीमेंट बिटवीन दीज टू वैल्यूज। एक तो हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट से लैम्डा मैक्स फाइंड आउट करते हैं और एक हम क्या करते हैं इससे वुडवर्ड फिशर रूल से लगाते हैं, दोनों के बीच में देयर इज अ क्लोजनेस राइट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दोस एम्पिरिकल रूल्स। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर वन द बेस वैल्यू और पेरेंट वैल्यू। बेस वैल्यू और पेरेंट वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू कोरस्पॉन्ड्स टू द क्रोमोफोरिक मॉइटी। ये किसके कोरस्पॉन्डिंग होगी, क्रोमोफोर के कोरस्पॉन्ड होगी राइट। तो क्रोमोफोर जैसे हमने क्या बताया था, इट इज द कलर इंपार्टिंग स्पीशी और द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन, ये बताया था हमने राइट। तो कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल है उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रोमोफोर सिलेक्ट करेंगे। फॉर डिफरेंट क्रोमोफोर वी हैव डिफरेंट वुडवर्ड फिशर रूल। तो क्रोमोफोर जैसे कि क्या हो सकता है, इट मे बी 1,3-butadiene सिस्टम। क्रोमोफोर क्या हो सकता है, 1,3-butadiene हो सकता है। It can be alpha, beta, unsaturated carbonyl. It may be aromatic system. So depending upon which type of chromophore we are using, we have different Woodward-Fisher rules. So let us understand first the Woodward-Fisher rule for diene system. Fisher rule for diene system. और diene कौन सा, 1,3-butadiene। ये क्या चीज है 1,3-butadiene, मानते हो इसको। सो पेरेंट वैल्यू और बेस वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन नंबर वन वेदर इट इज होमोडाइन या होमो एनुलर डाइन, अगर साइक्लिक सिस्टम है तो। अभी बताऊंगा इन टर्म्स का मतलब क्या है, पहले हम रूल्स लिख लेते हैं। होमो एनुलर डाइन के लिए दी बेस वैल्यू इज 253 नैनोमीटर। कितनी होमो एनुलर डाइन के लिए 253 नैनोमीटर। इफ यू टॉक अबाउट दी हेट्रो एनुलर डाइन, हेट्रो एनुलर डाइन और एसाइक्लिक डाइन, होमो एनुलर डाइन और एसाइक्लिक डाइन, दिस वैल्यू इज 214 नैनोमीटर। सो वी हैव ओनली टू बेस वैल्यूज, आपको सिलेक्ट देखना पड़ेगा वेदर इट इज अ होमो एनुलर डाइन सिस्टम और हेट्रोडाइन सिस्टम और एसाइक्लिक, यू विल चूज बेस वैल्यू और पेरेंट वैल्यू। समझ में आ गई बात। तो अब बात करते हैं जैसे व्हाट डू यू मीन बाय दिस होमो एनुलर डाइन। होमो मीन्स सेम, एनुलर मीन्स रिंग, एनुलर वर्ड किसके लिए यूज होता है, रिंग के लिए। डाई इन मीन्स, डाई मीन्स टू, इन मीन्स डबल बॉन्ड। अगर दोनों डबल बॉन्ड
कंजुगेटेड सिस्टम के दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट हो, दैट सिस्टम इज कॉल्ड होमोडेन्युलर डाईइन। समझ में आया? हाँ भाई जतिन, क्या होगा होमोडेन्युलर डाईइन? अगर दोनों डबल एक ही रिंग में प्रेजेंट हो तो वो कहलाएगा होमोडेन्युलर डाईइन। तो इस तरह का अगर सिस्टम है तो बेस वैल्यू कितनी सिलेक्ट कर लोगे आप? 253। बात समझ में आ रही है? इफ बोथ if two double bonds of conjugated system is present in different ring, agar alag alag ring mein present ho to wo kehlayegi, chain mein kya kehlayegi? Kaun si diene? Heteroannular diene. Hetero means different, annular means ring, di means two, ene means double bond. Two double bonds of conjugated system or diene system is present in different rings. समझ में आ रही है बात? हेट्रो मींस डिफरेंट, एनुलर मींस रिंग, डाई मींस टू डबल बॉन्ड्स। व्हेन टू डबल बॉन्ड्स ऑफ ए साइक्लिक सिस्टम और कंजुगेटेड सिस्टम इज प्रेजेंट इन डिफरेंट रिंग, लैम्डा मींस बेस वैल्यू विल बी 240, और अगर सेम ही रिंग में प्रेजेंट है बेस वैल्यू बिकम 253। ये चीज किसी को नहीं समझ में आई हो तो बोलो। क्रोमोफोर, अब क्रोमोफोर के साथ मॉलिक्यूल में बाकी पार्ट क्या कहलाता है? ऑक्सोक्रोम। क्या कहलाता है? ऑक्सोक्रोम। तो हम अब उन ऑक्सोक्रोम के लिए, ऑक्सोक्रोम की वजह से कितनी इंक्रीज होती है लैम्डा मैक्स वो देखेंगे। सो नंबर टू, यू हैव अ रिंग रेजिड्यू, हर चीज का मतलब समझाऊंगा मैं आपको, रिंग रेजिड्यू और एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एड प्लस 5 नैनोमीटर। क्या मतलब है इसका? आपने एक बार क्या सिलेक्ट कर लिया, जैसे ये मॉलिक्यूल ऐसे है, एक बार आपने बेस वैल्यू सिलेक्ट कर ली 214। अब इस सिस्टम के साथ जितने भी ग्रुप्स लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, वो कहलाएंगे सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू कब बनेगा? जैसे कि ये है सिस्टम, इस सिस्टम में डाइन कितना है यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या है? डाइन, राइट? दिस इज डाइन। इसके साथ ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आगे जाके मिलके क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? रिंग बना रहा है। इसलिए ये कहलाया रिंग रेजिड्यू। क्या कहलाया? रिंग रेजिड्यू। अगर कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। इसके अलावा कोई और भी ग्रुप हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, मिथॉक्सी हो सकता है, राइट? तो इस सिस्टम के साथ जितने ग्रुप लगे होंगे वो कहलाएंगे क्या चीज? अल्काइल और सब्स्टिट्यूएंट। एल्काइल है तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, क्लोरीन है, हाइड्रोक्सी है, मिथॉक्सी है, इसके लिए हम अलग अलग इंक्रीमेंट देखें। तो अगर एल्काइल ग्रुप हो तो इंक्रीमेंट कितना लगा? प्लस 5। इसी तरह से अगर रिंग रेजिड्यू हो तो कितना लगेगा? प्लस 5। समझ में आ गई रिंग रेजिड्यू और एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट? आगे इसको जब हम एक दो प्रॉब्लम लेंगे तब इससे और समझ में आ जाएगा। थर्ड, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, इनके नाम में सब कुछ छुपा है। फॉर ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन प्लस 30, यानी एक के लिए कितना जुड़ना है? प्लस 30। क्या मतलब है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग का? सक्षम, दिस इज द डाइन सिस्टम। ये क्या है? डाइन सिस्टम है। इसके अलावा अगर यू हैव एडिशनल डबल बॉन्ड विच एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन, जब तक ये था तो कॉन्जुगेशन कहां तक थी? सिर्फ यहां तक। समझ रहे हो बात? कॉन्जुगेशन कहां था? सिर्फ यहां तक था। लेकिन एक डबल बॉन्ड और आ गया है कॉन्जुगेशन में, तो कॉन्जुगेशन कहां तक एक्सटेंड हो गई? इस पोजीशन पर, राइट? 1 2 3 4 5 6। अगर तो ये पार्ट ना होता तो कॉन्जुगेशन कहां तक होती? 4 तक। अगर इसके साथ एक और डबल बॉन्ड है जो कि कॉन्जुगेशन को क्या कर रहा है? एक्सटेंड कर रहा है, तो दैट बिकम डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो कौन सा बॉन्ड डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन कर रहा है?
कौन सा डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन कर रहा है इनमें से? Which double bond is extending the conjugation? 5, 6. So how many double bond extending conjugation? 1. तो कितना add करेंगे? +30. तो एक double bond extending के लिए +30. अब कितना add करेंगे? +60. Sorry, कितना add करेंगे? +60. ये बेटा आप बताओ. हाँ, ये बढ़िया. +60. कितना add करेंगे? हाँ जी पीयूष. +30 करेंगे. Is it in conjugation? Is it extending the conjugation? No. Conjugation आपका यहीं तक खत्म हो गया. Conjugation में double, single. अब यहाँ पे देखिए, ये एक और single bond आ गया. तो conjugation extend नहीं हुई. तो कितना add करोगे? +30. समझ में आ गई? Extending conjugation का क्या मतलब है? For each double bond extending conjugation add 30. Next, exocyclic double bond. For each exocyclic double bond, you will add +5. Now let us understand what do you mean by this exocyclic double bond. Exo means bahar. Cyclic means ring. So jo double bond ring ke bahar present hai, amount. जो डबल बॉन्ड रिंग के बाहर प्रेजेंट है, कौन सा डबल बॉन्ड? 1, 2, 3, 4. कौन सा डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है? 3, 4 वाला बॉन्ड रिंग के बाहर प्रेजेंट है, नंबर 1. एंड ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन. तो दो चीजें हुई. नंबर 1, इट शुड प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग. एंड नंबर 2, इट शुड बी द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन. क्या ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक कहलाएगा? बाय दिस डेफिनेशन दो चीजें मैंने बताई है, एक तो रिंग के बाहर होना चाहिए, दूसरा कॉन्जुगेशन का हिस्सा होना चाहिए. तो क्या ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक बना? बोलो भाई, नहीं बनेगा. बिकॉज क्यों नहीं बना श्रेयंस? व्हाई इट इज नॉट एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड? कॉन्जुगेशन में नहीं. बिकॉज दिस बॉन्ड इज नॉट इन कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं है ये, इसलिए ये डबल एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं बने. तो इस पार्ट, इस मॉलिक्यूल में कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बने? वन डबल एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड. एक के लिए कितने जोड़ेंगे? 5. दो होते तो 10. इसी तरह से कुछ सब्स्टिट्यूएंट और है. क्लोरीन ब्रोमीन अगर हो +5, अगर एल्कोक्सी ग्रुप हो OR means ये मिथॉक्सी हो सकता है, OCH2CH3 हो सकता है, इसके लिए ऐड करेंगे +6, 7. अगर NR2 ग्रुप है तो इसके लिए ऐड कर देंगे +60. NR2 ग्रुप के लिए +60. आइए अब इन इंपीरिकल रूल्स को लगाएंगे कैसे. सबसे पहले एक प्रॉब्लम ले लेते हैं. ये नोट कर लिया सबने? चलिए ये जो मॉलिक्यूल पढ़ा इसी पे लगा दो. देखिए बेटा, एक दो देख लो कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या टेक्निक रहेगी इसको सॉल्व करने की. सबसे पहले आप देखिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहां है. कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहां से चल के यहां तक, यही बना. यहां से चल के ये यहां तक बना आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम. अब आप इस सिस्टम के लिए सिलेक्ट करोगे बेस वैल्यू. कितनी आपके पास? दो ही है. कौन कौन सी? 214 और 253. आपके दिमाग में होना चाहिए 214 कब लगाएंगे? जब वो हेट्रोएनुलर हो या फिर एसाइक्लिक सिस्टम. और 253 कब लगाएंगे? जब वो क्या हो? होमोएनुलर. होमोएनुलर का केस बन सकता है इसमें? नहीं बन सकता. बिकॉज वी हैव ओनली वन रिंग और डबल बॉन्ड जो है वो क्या है? रिंग के बाहर प्रेजेंट है, राइट? ये नहीं बना आपका. ये कौन सा सिस्टम बनेगा फिर? हेट्रो वाला. तो हेट्रो के लिए बेस वैल्यू बताओ कितनी बनी? 214, राइट? 214. अब इसके बाद फिर इस रस्ते में जितनी भी ब्रांचेस बनी उन ब्रांचेस को काट दो.
तो यहां पे मिलके एक ब्रांच बनी ए, यहां पे पहुंचे एक और ब्रांच बनी दो। जो सिस्टम है कंजुगेटेड उसपे जितनी भी ब्रांचेस है उनको कट कर दो, तो यू हैव वन टू। ये क्या कहलाएंगे? रिंग रेसिड्यू। क्या कहलाएंगे? बिकॉज ये आगे जाके क्या बना रहे हैं? रिंग बना रहे, बिकॉज दीज आर दी पार्ट ऑफ रिंग। सो फॉर ईच रिंग रेसिड्यू कितना ऐड करते हैं? प्लस फाइव। तो कितने रिंग रेसिड्यू बने? दो रिंग रेसिड्यू, टू इंटू फाइव दैट इज टेन, यही होगा। अगली चीज क्या देखनी है? डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। क्या कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है? बोलो भाई, नहीं है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन नहीं है ना, बिकॉज दिस डबल बॉन्ड इज नॉट इन कॉन्जुगेशन, वी हैव ओनली टू डबल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन नहीं बनी, राइट? व्हाट अबाउट डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड? डू वी हैव एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड? यस, है या नहीं है चिन्ह में? तो क्या करना है हमें, जो कॉन्जुगेटेड के डबल बॉन्ड है उनको वन बाय वन देखेंगे वेदर दे आर एक्सोसाइक्लिक और नॉट। ये डबल बॉन्ड अंदर प्रेजेंट है, एक्सोसाइक्लिक नहीं हो सकता। ये डबल बॉन्ड बाहर प्रेजेंट है, ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो क्या क्या बना ये? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बना। हाउ मेनी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड? वन। कितना जुड़ जाएगा? प्लस फाइव। कोई क्लोरीन नहीं है, कोई एल्कोक्सी नहीं है, कोई एनआर टू ग्रुप नहीं है, बस इतना ही बना। बताओ 229। सो दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेटेड बाय 229 इज द आंसर। कर लोगे? अब एक दो और करवा देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, उसके बाद एक दो आप करेंगे। ये नोट कर लिया सबने? Yes. तो एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवा दूं आपको कैसे सोल्व करना है इसको। सबसे पहले क्या करेंगे? सिलेक्ट दी सिस्टम, सिलेक्ट दी सिस्टम। तो सिस्टम यहां से चल के यहां तक है, कौन सा सिस्टम? कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम, यहां से लेके यहां तक बना। बात समझ में आ रही है? अब ये कौन सा है, हेट्रो या होमो? कैसा है ये? हेट्रो, बिकॉज टू डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रिंग्स। तो हेट्रो के लिए बेस वैल्यू कितनी होती है? बोलो भाई 240। अगला काम क्या है? रिंग रेसिड्यू और सब्स्टिट्यूएंट देखने। और उसके लिए क्या तरीका बताएं आपको? इस पाथ में जितने भी ब्रांचेस बनी है, एक दो तीन, इनको काट दो पहले, राइट? अब इसमें से रिंग रेसिड्यू और एल्काइल अलग करो। ये एल्काइल है, यस और नो? मिथाइल है ना ये? एक। ये रिंग रेसिड्यू है, दो। ये भी रिंग रेसिड्यू है, तीन। ये भी रिंग रेसिड्यू है, चार। तो कितने रिंग रेसिड्यू और एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट बने? चार। तो रिंग रेसिड्यू ऑब्लिक एल्काइल कितने बने? फोर। तो फोर इंटू फाइव कितना हो जाएगा? 20। और क्या बचा? क्लोरीन ग्रुप। क्लोरीन के लिए कितनी लगती है? प्लस फाइव। और बताओ इसके बाद फिर क्या देखना है? डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है या नहीं है? नहीं है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन नहीं है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखने का तरीका आपको बताया। जो कॉन्जुगेशन के डबल बॉन्ड है उसको देखो, क्या वो किसी रिंग के बाहर प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो रिंग के बाहर प्रेजेंट है तो वो एक्सोसाइक्लिक है, नहीं तो नहीं। ये उस क्या लगता है? क्या ये वाला डबल बॉन्ड इस बी रिंग के बाहर है या नहीं? यस और नो? दिस डबल बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक टू रिंग बी, सो वी हैव वन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक हो सकता है? नो, बिकॉज जो डबल बॉन्ड है दैट शुड बी डायरेक्टली अटैच टू दी रिंग। रिंग के क्या होना चाहिए? डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, ऐसे डबल बॉन्ड शुड बी डायरेक्टली अटैच टू दी रिंग। इसमें ये डायरेक्टली अटैच नहीं है इस रिंग के। तो एक डबल बॉन्ड ये बना एक्सोसाइक्लिक बिकॉज इट इज आउटसाइड द रिंग बी।
साइक्लिक कितने? वन, एक के लिए पांच. बताइए टोटल कितना बना? 244. आंसर इज 244 नैनोमीटर. यूनिट जरूर लिखना बेटा. फटाफट एक बात कर दो. इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा. सबने फटाफट ट्राई करो, गिव इट अ ट्राई. इफ यू हैव अ कॉम्पिटिशन बिटवीन, इफ यू हैव अ कॉम्पिटिशन बिटवीन एक्स कौन सी 253 एंड 214, कौन सी चूज करेंगे? हमेशा हायर वाली 253 लैम्डा मैक्स. उस केस में हम मैक्सिमम वेवलेंथ देखें 253 ले लेंगे, राइट. तो इसमें अगर हम देखें ये वाला सिस्टम सेलेक्ट करते हैं, यहां से तो बना ये होमो एनुलर डाई, और अगर हम यहां से देखते हैं तो ये बना हेट्रो एनुलर डाई. किसको चूज करेंगे? हमेशा हायर वेवलेंथ को, दैट इज होमो. बेस वैल्यू इज 253. बताइए आपने 270. सो सबसे पहला काम होता है डाइन सिस्टम सिलेक्ट करना. यहां से चल के यहां तक डाइन बना, लेकिन हमने पाया कि वन मोर डबल बॉन्ड वी हैव इन कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड और है, तो हम यही नहीं रुक के आगे तक चलेंगे. तो सिस्टम बना यहां से लेके पूरा ये. आप देखा इसके हिसाब से अलग अलग रिंग में है, तो बना ये हेट्रो एनुलर. इस डबल बॉन्ड के हिसाब से बना ये होमो एनुलर. तो हमेशा सेलेक्ट करेंगे लार्जर वैल्यू. कितनी हुई? 253. बेस वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद ब्रांचिंग 1 2, एक यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं काटेंगे, बीच में रस्ते के बीच में नहीं काटना. फिर एक यहाँ पे मिली, एक यहाँ पे मिली. कितने रिंग रेजिड्यू बने? 5 रिंग रेजिड्यू, 25. अगली चीज होती है एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन देखना. 30. एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है प्लस 30. और बताओ, और बताइए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड. डू वी हैव एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है? नहीं है. और कोई फंक्शनल ग्रुप? नहीं है. एक मिनट, कितना आंसर आ गया? 308. कितने लोगों का सही है? 1 2 3. एक्सोसाइक्लिक कहाँ है? एक्सोसाइक्लिक ये वाला. Yes. We have this double bond as exocyclic double bond. ये वाला नहीं होगा. It should be directly attached ना. ये क्या होना चाहिए? इनके directly attached होना चाहिए. This double bond is exocyclic. How? Because this is present outside this ring A. कौन सा? Oh, we have one another exocyclic double bond. We are rushing. That's why it's happening. So we have one exocyclic ring to ring A, we have one exocyclic double bond to ring B. So kitne exocyclic double bond? Two. 300. Kitna hua? 18. Haan bolo.